अलवर के थानागाजी में हुए गैंगरेप मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी छोटेलाल गुर्जर को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। आरोपी गुजरात जाने की फिराक में था और छोटेलाल को अजीतगढ़ से पुलिस टीम ने हिरासत में लिया। वहीं राज्य सरकार ने प्रशासनिक जांच के लिए जयपुर संभागीय आयुक्त को जांच अधिकारी भी नियुक्त किया गया। गृह विभाग ने 10 दिन में संभागीय आयुक्त से रिपोर्ट मांगी है। गौरतलब है कि मामले में पुलिस अन्य 5 आरोपियों को हंसराज, अशोक, इंद्राज, महेश और मुकेश को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। अब आखिरकार अलवर पुलिस के मुख्य आरोपी छोटेलाल गुर्जर भी हत्थे चढ़ चुका है। राज्य सरकार ने प्रशासनिक जांच का निर्णय लेते हुए जयपुर संभागीय आयुक्त को एक जांच अधिकारी को भी नियुक्त किया गया और साथ ही 10 दिन में रिपोर्ट मांगी है इस पूरे मामले को लेकर। राज्य सरकार ने प्रशासनिक जांच के लिए जयपुर संभागीय आयुक्त को जांच अधिकारी भी नियुक्त किया। थानागाजी गैंगरेप मामले में आखिरकार पुलिस को सफलता हासिल हुई। इस मामले में पहले ही 5 आरोपियों को पुलिस हिरासत में ले चुकी है और अब आखिरकार मुख्य आरोपी छोटेलाल गुर्जर भी पुलिस की गिरफ्त में है। और इसी खबर पर हमें अपडेट करने के लिए एवन संवाददाता चंद्रशेखर हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। चंद्रशेखर, जिस तरह से अलवर में ये दिल दहला देने वाली घटना हुई थी और उसके बाद अब राज्य सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने सतर्कता दिखाते हुए 5 आरोपियों को पहले ही हिरासत में ले लिया और अब एक और मुख्य आरोपी जो कि गुजरात भागने की फिराक में था, पुलिस ने उसे पकड़ने में सफलता हासिल की। अब क्या कार्रवाई रहेगी पुलिस की आगे की? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो मुख्य आरोपी था, जो फरार था और गुजरात भागने की फिराक में था छोटेलाल, उसको पुलिस ने देर रात को अरेस्ट कर लिया है और अब पुलिस की ओर से इस केस ऑफिस इस केस फाइल बनाकर और जल्द से जल्द चालान पेश कर और सजा दिलवाने के प्रयास किए जाएंगे। मैं जो थी आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान के DGP और चीफ सेक्रेटरी भी थानागाजी पहुंच चुके हैं और वो सारे घटनाक्रम की जानकारी ले रहे हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के चेयरमैन भी थानागाजी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। पूरे देश ने इस घटना ने इस देश को हिला दिया था और इस मामले को लेकर काफी अलवर हाईलाइट हो चुका है और हर कोई जो ये मामले का जिसको जानकारी मिली है, उन्होंने इस तरह के मामले जो पहली बार ये देखने को मिला है अलवर में, वो काफी दर्दनाक मामला है और हाई प्रोफाइल मामला होने के कारण राजनीतिक, क्योंकि चुनाव भी इस समय चल रहे थे और जिस समय ये मामला सामने आया तो कहीं ना कहीं ये पुलिस प्रशासन की अनदेखी भी सामने इस मामले में आई है। ज्योति जी, चंद्रशेखर, इसमें कोई संशय नहीं कि इस पूरे मामले पर जो विपक्ष पार्टी है प्रदेश में, उन्होंने भी खूब राजनीति की और यहाँ तक कि पीड़िता को सोशल मीडिया के जरिए दुनिया के सामने उसकी पहचान भी बता दी। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी खबर ये कि राज्य सरकार ने प्रशासनिक जांच का निर्णय लिया है और इसी के तहत एक जांच अधिकारी भी नियुक्त किया है। बिल्कुल, जांच अधिकारी नियुक्त हो चुके हैं और हर पहलुओं पर जांच की जा रही है, चाहे वो सोशल मीडिया में वायरल का मामला हो, चाहे पुलिस की अनदेखी का मामला हो, सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। इसी संदर्भ में आज राष्ट्रीय मानव अधिकार के आयोग के चेयरमैन भी आ रहे हैं और DGP और जो चीफ सेक्रेटरी आए हुए हैं, वो भी सभी पहलुओं पर मामले की जांच कर रहे हैं। ज्योति जी, चंद्रशेखर, आप लगातार हम इस खबर पर अपडेट करते रहे, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एक बार फिर से आपको बता दूं कि अलवर थानागाजी गैंगरेप मामले में आखिरकार पुलिस ने सभी आरोपियों को, मुख्य आरोपी छोटेलाल गुर्जर सहित सभी आरोपियों को अब हिरासत में ले लिया और प्रशासनिक जांच का निर्णय लेते हुए आपको बता दें कि संभागीय आयुक्त ने एक जांच अधिकारी भी नियुक्त किया है।